स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म जो पांचवा टाइप है वो है आपका टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म। तो हम इसको पहले डेफिनेशन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, फिर इसको कुछ एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो इसका डेफिनेशन में आपका इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट टू डिफरेंट स्ट्रक्चर ड्यू टू वन कॉमा थ्री हाइड्रोजन माइग्रेशन बिटवीन पॉलीवेलेंट एटम। तो इसमें आपका जो मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है, क्योंकि इसमें 1-3 हाइड्रोजन का 1 पोजीशन से 3 पोजीशन में माइग्रेशन हो रहा है, और आइसोमर्स आर डायनेमिक इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। और यहाँ पर एक और कंडीशन है कि जो ये जो है दोनों आइसोमर डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहेगा, मतलब इसमें ये दोनों ही फॉर्म एग्जिस्ट करेंगे, कोई एक फॉर्म ज़्यादा होगा एग्जिस्ट करेगा, कोई दूसरा फॉर्म कम एग्जिस्ट करेगा, लेकिन दोनों ही फॉर्म एग्जिस्ट करेंगे। तो इसलिए इसको डायनेमिक इक्विलिब्रियम कर रहे हैं, और ये इसलिए बन रहा है क्योंकि वहाँ पर आपका हाइड्रोजन का 1 पोजीशन से 3 पोजीशन में माइग्रेशन हो रहा है। जैसे हम यहाँ देख लें, यहाँ पर एक्स वाई डबल बॉन्ड जेड, और एक्स में हाइड्रोजन है 1-2-3। तो यहाँ पर आपका जो हाइड्रोजन होगा 1 पोजीशन से 3 पोजीशन में माइग्रेशन होगा, और डबल बॉन्ड का आपका जेड वाई और जेड के बीच से आपका एक्स और वाई के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये आपका माइग्रेशन जो हो रहा है 1 से 3 में, मीन्स एक्स से के पास जो हाइड्रोजन है वो आपका जेड में चला जा रहा है। तो जो स्ट्रक्चर जो बनेगा आपका वो एक्स डबल बॉन्ड वाई जेड एच। तो यहाँ पर आपका एक्स में जो हाइड्रोजन था वो जेड में चला गया, तो ये माइग्रेशन कहलाता है आपका 1-3 हाइड्रोजन माइग्रेशन। तो यहाँ पर आपका जो कुछ कंडीशन है, जैसे एक्स शुड हैव हाइड्रोजन बट नॉट हाइड्रोजन, जो एक्स है उसके पास हाइड्रोजन होना चाहिए लेकिन वो हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, मीन्स आपका एक्स के पास हाइड्रोजन होना चाहिए लेकिन वो हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। एक्स आपका पॉलीवेलेंट हो सकता है, आपका सी जैसे एग्जांपल हो गया कार्बन, और उसमें एक हाइड्रोजन अटैच है, जेड सी ऑब्लिक ओ ऑब्लिक एन ऑब्लिक एस, मीन्स कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन और सल्फर, और वाई कैन बी एनी एटम। तो यहाँ पर कंडीशन यह है कि एक्स के पास हाइड्रोजन होना चाहिए लेकिन वो एक्स हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। दूसरा आपका वाई कोई भी एटम हो सकता है, जेड आपका कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर किसी में से भी कुछ हो सकता है। तो आपका ये टॉटोमेरिज्म का कंडीशन हो गया। इसके बाद हम इसको कुछ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल जैसे आपका इथाइल एसीटो
एसीटेट, इथाइल एसीटेट जो है दो फॉर्म में मिलता है आपका, कीटो और इनॉल। तो हम इसके स्ट्रक्चर भी थ्रू समझते हैं, जैसे CH3CO, CH2COO, C2H5। तो ये आपका कीटो फॉर्म हो गया। यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर ये 1, 2, 3, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन का मूवमेंट होगा 1 से 3 पोजीशन में होगा, मतलब O से ऑक्सीजन के पास चला जाएगा और ये डबल बॉन्ड आपका इन दोनों के बीच आ जाएगा। तो जो स्ट्रक्चर बनेगा आपका वो कुछ इस तरह से बनेगा, CH3OH डबल बॉन्ड CH COO C2H5। तो ये आपका इनॉल फॉर्म है। जनरल कंडीशन में आपका ये जो कीटो फॉर्म है वो आपका 93% होगा और ये रिमेनिंग 7% जो होगा आपका वो इनॉल फॉर्म होगा। तो ये आपका टॉटोमरिज्म का एग्जांपल है, जिसमें आपका 1-3 माइग्रेशन हो रहा है हाइड्रोजन का। ये दोनों ही फॉर्म इक्विलिब्रियम में है, मीन्स दोनों ही फॉर्म एग्जिस्ट करेंगे और जो 90% फॉर्म है वो कीटो फॉर्म में मिलेगा, 7% आपका इनॉल फॉर्म में मिलेगा। तो ये आपका टॉटोमरिज्म है। इसके बाद जो आखिरी आपका बच रहा है वो है आपका रिंग चेन आइसोमरिज्म, उसको भी हम देख लेते हैं कि रिंग चेन आइसोमरिज्म क्या होते हैं। इसमें आपका रिंग चेन आइसोमरिज्म जो आखिरी टाइप है आपका, उसको हम देख लेते हैं। अब स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का आखिरी टाइप है आपका, 6th टाइप है रिंग चेन आइसोमरिज्म। पहले हम इसका डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद कुछ एग्जांपल के थ्रू इसको समझेंगे। तो रिंग चेन आइसोमरिज्म में आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, बट वन आइसोमर एग्जिस्ट इन ओपन चेन एंड अदर एग्जिस्ट इन साइक्लिक और रिंग स्ट्रक्चर। तो एक जो होगा आपका इसमें ओपन चेन फॉर्म में होगा, दूसरा आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर या रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म में होगा। तो ये आपका रिंग चेन आइसोमरिज्म कहलाते हैं। इसको कुछ एग्जांपल के थ्रू समझ रहे हैं हम। एग्जांपल में आपका जैसे आपका प्रोपीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन, तो ये आपका स्ट्रक्चर जो है ओपन चेन स्ट्रक्चर हो गया। इसी से अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा तो CH2 साइक्लो प्रोपेन। तो यहाँ हम देख रहे हैं एक जो है ओपन चेन स्ट्रक्चर है, दूसरा आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर है। और भी एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे आपका CH2C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ पर आपका प्रॉप 1,2 डाई इन। और इसी से अगर रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होगा तो वो आपका CH2CH डबल बॉन्ड CH CH2, तो ये आपका साइक्लो प्रोपीन। तो यहाँ पर एग्जांपल में आपका एक में आपका स्ट्रेट चेन या ओपन चेन है, दूसरा आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर है। तीसरा एग्जांपल देख लें अगर, जैसे ब्यूटीन
CH3CH double bond CH2 2 ब्यूटीन, अगर इसी से अगर रिंग फॉर्मेशन होगा तो CH2 साइक्लो ब्यूटेन, तो ये आपका रिंग फॉर्मेशन हो गया। अब इसी में अगर जैसे CH3 triple bond CH3 2 ब्यूटाइन, इसी से अगर साइक्लिक रिंग फॉर्मेशन होगा तो CH2 CH2 CH double bond CH cyclo ब्यूटेन। तो ये आपका एक में ओपन चेन स्ट्रक्चर है, दूसरा आइसोमर आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर में है। तो ये आपका एग्जांपल हो गया रिंग चेन आइसोमरिज्म का, जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन एक ओपन चेन में होगा, दूसरा आपका साइक्लिक या रिंग स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में होगा। तो ये आपका कंप्लीट डिटेल हो गया आपका स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म और उसके 6 डिफरेंट टाइप्स का। थैंक यू।